हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ वाइफ स्टडी स्टूडियोज विजिजा पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो शाम के 5 बज चुके हैं और आज जुड़ चुके हो आरआरबी एनटीपीसी क्लास में, जहाँ आज देखेंगे साइंस के टेस्ट। कल हमने एंजाइम पढ़ाया था, पढ़ा होगा, रिविजन करना जरूर, क्योंकि यार इस बार जो CHSL के पेपर हुए हैं उसमें बिल्कुल पढ़ाए हुए सवाल आए, एक भी सवाल इधर से उधर नहीं है। तो यार पढ़ो और रिवीजन करो, बिल्कुल सिलेक्शन होगा बच्चे। तो जरा सर, जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार आप थंब दिखा देना सर, बिल्कुल हमारी आवाज आ रही है आप तक, और लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो यार, तभी तो और हमें भी एनर्जी मिलेगा, बताओ नहीं। चलिए, तो साइंस के मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके लिए है, और उम्मीद करेंगे कि क्लास में बिल्कुल मजा आएगा। गलती मत करना, जो आएगा जवाब देना, अदरवाइज बिल्कुल छोड़ देना। क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी का क्रैश कोर्स बच्चे, जो आप एनटीपीसी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे डेट का, आपको पता है कि 15 दिसंबर डेट अनाउंस हो गया है। तो ये एनटीपीसी का क्रैश कोर्स 5000 प्लस सवालों की सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो। 8 अक्टूबर से पॉलिटी चल रहा है, बहुत मजा आएगा। मैंने हिस्ट्री अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया, वो भी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको सारे सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिल जाएंगे बच्चे, ठीक है। रेफरल कोड कैसे लगाओगे? रेफरल कोड लगाना BA BA10 BABA10। और इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है बच्चे, जनरल साइंस, CGL में, CHSL में 7 अक्टूबर से ये बैच शुरू हुआ था। इसकी टाइमिंग कितने बजे? इसकी टाइमिंग बच्चे 3 PM, क्या है 3 PM टाइमिंग है, ठीक है, याद रखना। रेफरल कोड BABA10 के साथ जरूर जुड़ना, बहुत फायदा होगा बिल्कुल। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। विच वन इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? एसिड्स पीएच रेंज अबव 7, एसिड्स पीएच रेंज बिलो 7, एसिड्स पीएच रेंज 7 न्यूट्रल, एसिड्स पीएच रेंज 8-9। मैं बताऊं, पीएच ब्लड का पीएच मान पूछा था इस बार CHSL में, सोचो पढ़ाया था ना पीएच वैल्यू, आपको याद होगा अच्छे तरीके से पढ़ाया था ना, तो थंब दिखाना पढ़ाया तो था। तो बताओ कौन सा साइड इनसे मेल खाता है? भाई एसिड पीएच बिलो रेंज बिलो 7 से नीचे होगा, यानी 7 के बराबर, न्यूट्रल ग्रेटर देन 7, एसिड लेस देन 7, सॉरी ग्रेटर देन 7, बेस ग्रेटर देन लेस देन 7, तो क्या होगा? एसिड, क्या होगा? एसिड होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग एम्पियर में धारा को मापने के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 2, जल्दी बताओ बच्चे क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग एम्पियर में धारा को मापने के लिए करते हैं, क्या हो सकता है? अल्टीमीटर, हर्ट्स, एमीटर या एरोमीटर? एमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम जिसे एम्पियर में धारा को मापते हैं, एमीटर है। क्या बच्चे? एमीटर है, ठीक है। आगे देखो, एमीटर जिसको एम्पियर मीटर भी कहते हैं को मापने वाले एक उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट में करंट को मापने के लिए, धारा को मापने के लिए किया जाता है, धारा को मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल याद रखना। एरोमीटर क्या पता है? हवा और कुछ गैसों के घनत्व को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे हम एरोमीटर कहते हैं, एरोमीटर कहते हैं, याद रखना। एरोमीटर एक ऐसा उपकरण है माय डियर जिसे हवा और कुछ गैसों के घनत्व को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेमाटियर गैस, आंसू गैस का नाम बताओ जो दंगों में इस्तेमाल की जाती है। C2H4, Kr, N2O, CS गैस, क्या होगा? टीयर गैस किसे कहेंगे? नेम अ टीयर गैस विच इज यूज इन राइड्स, एक आंसू गैस का नाम बताइए जो दंगों में इस्तेमाल की जाती है। तो टीयर गैस का नाम क्या होगा जो दंगों में इस्तेमाल करते हैं? मान लो कहीं दंगा फैल गया तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली तो चला नहीं देंगे, तो पहले आंसू गैस गोला छोड़ा जाता है, तो उस आंसू गैस में बच्चे CS गैस, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, CS गैस पाया जाता है। क्या बच्चे? CS गैस होता है, क्या होगा? N2O, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस, N2O कहते हैं, ठीक है। यौगिक 2, कंपाउंड 2, क्लोरो बेंजामोलोनो निट्राइल, क्लोरो बेंजामोलोनो निट्राइल एक साइनोकार्बन है, CS गैस मतलब साइनोकार्बन, आंसू गैस का परिभाषित घटक है जिसे आमतौर पर सामान्यतः CS गैस कहते हैं। इसे हम दंगा नियंत्रण एजेंट, राइट कंट्रोल एजेंट के रूप में भी हम जानते हैं।
ठीक है, याद रहेगा सीएस गैस, सीएस गैस। बंची टॉप अप बनाना प्लांट डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू केले के पौधे की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या देखने को मिलता है? बैक्टीरिया, कवक, वायरस, ननोदाबब, उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर चार क्या होगा? जल्दी, केले के पौधे की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है या ननोदाबब है? उपरोक्त में से कोई नहीं है। जल्दी, सवाल नंबर चार। केले के पौधे की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या देखने को मिलता है बच्चे? तो सबसे बड़ा कारण वायरस होता है, वायरल डिजीज है। अच्छा, केला क्या है, पौधा है क्या, बताना? केले को हम पौधा है क्या ये? बिल्कुल, वृक्ष मत समझ लेना, ट्री मत समझ लेना। जैसे बंबू है ना, बांस, बंबू क्या है, बांस है। ठीक है बच्चे, केले के पौधे का शीर्ष रोग, टॉप क्लास का जो रोग है वो वायरस के कारण होता है। इस रोग में पता क्या है कि पौधा बौना हो जाता है, पौधा बढ़ता नहीं है और पत्तियां बिल्कुल अकुमलेट हो जाती है, जम जाती है, सिकुड़ जाती है, पत्तियां सिकुड़ जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्टकुलर कंट्रीब्यूशन इन फिजिक्स इज एसोसिएटेड विद द साइंटिस्ट मिलिकन। भौतिक में निम्नलिखित में से कौन सा शानदार योगदान वैज्ञानिक मिलिकन के साथ जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, न्यूट्रिनो, बोथ एंड बी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। सवाल नंबर पांच, सवाल नंबर पांच, जल्दी सवाल नंबर पांच क्या होगा बच्चे, बताओ, जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्टकुलर कंट्रीब्यूशन इन फिजिक्स इज एसोसिएटेड विद द साइंटिस्ट मिलिकन। कौन सा शानदार योगदान साइंटिस्ट मिलिकन के साथ जुड़ा हुआ है? जल्दी, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बोथ ए एंड बी में बच्चा फंस गया, बच्चा ए एंड बी में फंस गया, अब गलती कर बैठा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ जुड़ा हुआ, बिल्कुल याद रखना, मिलिकन किसके साथ? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ। सवाल नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट आयोनिक इन नेचर। कौन सा यौगिक प्रकृति में आयनिक नहीं है? लिथियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सवाल नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट आयोनिक इन नेचर। कौन सा यौगिक प्रकृति में आयनिक नहीं है? सवाल नंबर छह, बताओ जल्दी। कौन सा यौगिक प्रकृति में आयनिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट आयोनिक इन नेचर, क्या होगा? सवाल नंबर सिक्स की बात करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल याद रखना कि प्रकृति में आयनिक नहीं है बच्चे, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकृति में आयनिक नहीं है। लिथियम से याद आया ना, लिथियम आयन बैटरी यूज करते बच्चे मोबाइल में, ये याद रखना, कई बार पूछता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़कर सभी आयनिक बंधन बनाते हैं, सभी क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़कर। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट ऑटो हान एंड स्टैसमैन इन फिजिक्स। भौतिकी में वैज्ञानिक ऑटो हान और स्टैसमैन का क्या योगदान है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, डायनामाइट, नैनो दबाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर सेवन, जल्दी। फिजिक्स में वैज्ञानिक ऑटो हान और स्टैसमैन का क्या योगदान है? क्या हो सकता है यार, कई सारे बच्चे परेशान होंगे। अरे भैया मेरे, परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, परमाणु बम, याद है, सॉरी परमाणु बम है ना, वही तो है परमाणु बम, पक्का? जितने भी परमाणु बम हैं वो ऑटो हान हैं, बिल्कुल याद रखना। परमाणु विखंडन, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है ना वो फिजन पर ही काम करता है, फ्यूजन पर नहीं। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी बच्चे हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। आपको याद होगा कि सन का जो एनर्जी है, सूर्य की जो एनर्जी है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन फ्यूजन पे डिपेंड करती है। फ्यूजन यानी कई सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई जुड़कर विस्फोट करेंगे, और ये फ्यूजन मतलब कि एक न्यूक्लियाई विस्फोट कर गया। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया बच्चे? भाई जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार बांटते हैं, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया है।
अल्फ्रेड नोबेल ने किया है, याद रहेगा। पौधे की एक बीमारी का नाम बताइए जिसमें गहरे रंग की हल्की भूरी सड़न घायल पौधों के ऊतकों के आसपास देखने को मिलती है। ग्रे मोल्ड, साइट्रस कांकेर, स्पाइडर माइट्स, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 8, नेमर डिजीज ऑफ प्लांट इन विच डार्क टू लाइट ब्राउन रोट फॉर्म्स अराउंड वुंडेड प्लांट टिश्यू। पौधे की एक बीमारी का नाम बताइए जिसमें गहरे रंग की हल्की भूरी सड़न घायल पौधों के ऊतकों के आसपास होती है। क्या होगा बच्चे? ग्रे मोल्ड। क्या होगा? ग्रे मोल्ड। पौधे की एक बीमारी का नाम बताइए जिसमें गहरे रंग की हल्की भूरी सड़न घायल पौधों के ऊतकों के आसपास देखने को मिलता है। ग्रे मोल्ड होगा। साइट्रस कांकर पता कहां देखने को मिलता है? ये खासकर संतरा में। संतरा समझते हो ना? अरे ऑरेंज, इसमें विटामिन सी होते हैं। साइट्रस कांकर देखने को मिलता है, ग्रे मोल्ड होगा। तो पौधे की ग्रे मोल्ड बीमारी को, देखो बच्चे, एक बच्चा बहुत परेशान है, उसे मैं थोड़ा सा ना थोड़ा बता दूं। बहुत परेशान होते बच्चे यार, बहुत। क्या बोलूं? पौधे की ग्रे मोल्ड बीमारी को बॉटरीटिस के नाम से भी जाना जाता है, या पत्तियों और पंखुड़ियों जैसे पौधों के मरने या घायल होने के कारण होता है। बिल्कुल याद रखना, ठीक है? अरे बात समझ में आगे देखो। वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो और वायरलेस मैसेज का आविष्कार किसने किया था? आ जाओ देखो सवाल कैसे बनते हैं। हु इन्वेंटेड द वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो एंड वायरलेस मैसेज? जी मार्कोनी, फर्मी, गैलीलियो, आइंस्टीन। सवाल नंबर 9, जल्दी 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 जल्दी, क्या होगा? उड़ा दो। जी मार्कोनी। अरे भैया, मार्कोनी साहब ने रेडियो का आविष्कार किया, ये तो है। कुछ था बताओ। वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो और वायरलेस मैसेज का आविष्कार मार्कोनी साहब करते हैं। कौन करते हैं? मार्कोनी साहब करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं। उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। निमक गैस यूज इन हाई स्पीड फोटोग्राफी, नाइट्रस ऑक्साइड, क्रिप्टन, जेनॉन या रेडॉन। क्या होगा? उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त गैस का नाम क्या होगा बच्चे? नाइट्रस ऑक्साइड, क्रिप्टन, जेनॉन या रेडॉन। तो उच्च गति की फोटोग्राफी की बात करें तो क्रिप्टन यूज करते हैं, रेडॉन तो भारी है, ये वायुमंडल में तो होगा नहीं, आपको याद है, वायुमंडल में पाया नहीं जाता है, वायुमंडल में पाया नहीं जाता है। मैं बोलो, सर्जिकल स्ट्राइक लगा दिया, बताओ भाई। मैसेज कर रहा था बच्चों को, मैंने मैसेज कर दिया, भैया अभी क्यों कर रहे हो लाइव क्लास? नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, हंसाने वाली गैस, क्रिप्टन का यूज करते हैं उच्च गति की फोटोग्राफी में, ठीक है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, याद रखना, जिन्होंने उनको स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। क्रिप्टन गैस का उपयोग उच्च गति के फोटोग्राफी में, नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हास गैस N2O कहते हैं, हंसाने वाली गैस। पौधे के रोग का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं। स्पाइडर माइटस, मेलीबग्स, एफिड्स या साइट्रस कांकर। नेम द डिजीज ऑफ प्लांट इन विच लीव्स, ब्रांचेज, फ्रूट्स ऑल आर अफेक्टेड। पौधे के रोग का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित हो जाती हैं। क्या होगा? सवाल नंबर 11, जल्दी बच्चे। साइट्रस कांकर, मैंने तो कहा था संतरा में देखने को मिलता है। पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित हो जाती हैं। इस देखो, पौधे की बीमारी कहां हुआ? हर चिन्ह में उत्पन्न होता है। जितना बीमारी पता नहीं भाई, ह्यूमन में तो तुमने पैदा किया, पौधे को तो छोड़ दो, बेचारा पौधा क्या करता है बताओ। पौधे की इस बीमारी की भी उत्पत्ति चीन में हुई है। हाय रे कोरोना, चीन में देखने को मिला। पत्तियां, शाखाएं, फल सभी रोग से प्रभावित होती हैं, ठीक है बच्चे। नेम एन इक्विपमेंट थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड और इजेक्टेड। एक उपकरण का नाम बताइए
जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन या निष्कासन होता है क्या होगा। स्पेशल क्लास बच्चे आज 5:35 वाला स्पेशल क्लास नहीं होगा, ठीक है, कल से कंटिन्यू करेंगे बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ ना अभी, तो एक दो दिन मतलब थोड़ा सा मैनेज कर लो आज पर, कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसके लिए माफी चाहेंगे। और आज नहीं, आज 10:15 वाले भी क्लास नहीं हुआ था बच्चे सुबह, ठीक है। एक उपकरण का नाम बताइए जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन या निष्कासन होगा, कैथोड रे ट्यूब। क्या होगा? कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल याद रखना, कैथोड रे ट्यूब। तो सवाल नंबर 13, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट, तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स या ऑल ऑफ द अबव। सवाल नंबर 13, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है, क्या होगा देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 13 बताइए जल्दी। तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? अरे भैया सब शामिल होगा, ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, नर्व भी है, तंत्रिका भी है। बेसिकली CNS और PNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS जिस पर हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, PNS जो ऐच्छिक है, हमारा मन है पुतले को नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अरे बात समझ में। तो ये तीनों है, ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, नर्व भी है, ठीक है बच्चे। सवाल नंबर 13, मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी के साथ तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। आगे देखो नेक्स्ट, द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का तारकीय और सौर स्रोत है किसका, क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फिजन है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। सवाल नंबर 14 क्या होगा? द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का तारकीय और सौर स्रोत क्या होगा, परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या इलेक्ट्रोमोटिव बल। सवाल नंबर 14, जल्दी द स्टेलर एंड से, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सही बता दोगे जवाब, बिल्कुल सही लगाओगे, अभी मैंने थोड़ा सा हिंट किया है, जल्दी क्या होगा? ऊर्जा का तारकीय और सौर स्रोत की बात करें, परमाणु, अभी थोड़ा सा तो बताया था बच्चे आपको कि सौर स्रोत, ऊर्जा का तारकीय और सौर स्रोत की बात करें, सोलर सोर्स की बात करें, तो परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन या हाइड्रोजन फ्यूजन की बात करें, हाइड्रोजन फ्यूजन की बात कर लें, क्लियर है, हाइड्रोजन फ्यूजन की बात कर लें। आई बात समझ में? बिल्कुल समझना बहुत फायदा रहेगा, ठीक है, समझ लो आसानी से, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, कैसे घूमेगा, बस केवल शब्दों का खेल है, केवल शब्दों का खेल है, आपको आता है थोड़े से गड़बड़ कर बैठते हो बस। स्टेलर और ऊर्जा, सौर ऊर्जा संलयन प्रतिक्रियाओं के कारण देखने को मिलता है, तारकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, परमाणु संलयन है या हाइड्रोजन संलयन है। 1665 में कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रूक, डेविड थॉम्सन या मैरी फ्रेंकोइस, क्या होगा जल्दी, जल्दी जल्दी। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको याद होनी चाहिए, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665, 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा बच्चे, रॉबर्ट हुक। आप लोग ना गड़बड़ कहां करते हो, देखो एंटोनी ल्यूवेनहॉक, बैक्टीरिया की खोज, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, याद रहेगा, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, गड़बड़ मत करना, भूलना मत। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुद का डिजाइन किया हुआ, स्व डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप के माध्यम से कॉर्क की एक पतली स्लाइस की जांच करते हुए कोशिकाओं की खोज की, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। विच डिजीज ऑफ अ प्लांट इज नोन एज रिंग डिजीज, पौधे के किस रोग को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, साइट्रस कांकर, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, विल्ट ऑफ पोटैटो
नानो ताबब उपरोक्त में से कोई नहीं सवाल मसूल। आज देख लो कि बायो से या फिर बॉटनी से कितने सारे सवाल मैंने कराए, बॉटनी से कितने सारे सवाल, वो भी प्लांट डिजीज। मैंने कल ह्यूमन डिजीज कराया था अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, दिखनी चाहिए, फायदा करेगा आपको। तो पौधे के किस रोग को रिंग रोग के नाम से, देखते हो रिंग क्या हो गया, राउंड राउंड हो गया ना, आलू का विल्ट, विल्ट ऑफ पोटैटो, विल्ट ऑफ पोटैटो। साइट्रस कांकर की बात करें, ये ऑरेंज में देखने को मिलता है, फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। आलू का विल्ट पौधे में बैक्टीरिया के कारण कैसे होता है बच्चे, बैक्टीरिया के कारण होगा, इसे रिंग रोग कहते हैं, क्योंकि जाइलम पर भूरे रंग के रिंग बनती। जाइलम फ्लोएम दो चीजें हैं, जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके जमीन से खींचना, पौधे तक पहुंचाना। बेसिकली वाटर हम जानते हैं, मिनरल भी जानते हैं, और फ्लोएम का काम क्या है कि बने हुए भोजन को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना या पहुंचाना कहते हैं, पहुंचाना। भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है, विच इज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च विद कील, ASLV, GSLV, SLV-3, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, सवाल नंबर 17 जल्दी। तो भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान की बात करें कौन सा है, ASLV, GSLV, SLV-3 या क्या होगा, जल्दी क्या देख रहे हो, क्या होगा, SLV-3 क्या होगा बच्चे, SLV-3 पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 होगा। फुल फॉर्म देखते हैं क्या है, सैटेलाइट लॉन्च विकिल, सैटेलाइट लॉन्च विकिल भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जो 18 जुलाई 1980 को हरिकोटा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जब रोहिणी उपग्रह को छोड़ा गया था, किसे, रोहिणी उपग्रह को छोड़ा गया था। बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड, जैव रासायनिक यौगिकों के रूप में उपयोग करते हैं, किस रूप में यूज करते हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, खाद्य संरक्षक, कुकिंग ऑयल्स या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, क्या होगा, सवाल नंबर 18 जल्दी। जैव रासायनिक यौगिकों के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या होगा जल्दी, तो क्या आपको बताना चाहिए बच्चे कि जैव रासायनिक यौगिकों के रूप में यूज करते हैं, कहां, तो त्वचा का उपचार करते हैं, खाद्य संरक्षण जो भोजन को हम सुरक्षित रखते हैं, कुकिंग ऑयल्स के रूप में करते हैं, सभी में करते हैं बायोकेमिकल कंपाउंड्स का यूज, ठीक है। सभी जैव रासायनिक अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कार्बन भी होगा, बिल्कुल होगा, कार्बन सब में होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर भी होगा, लगभग सभी जैव रासायनिक यौगिक पॉलीमर है, क्या है, एक प्रकार के पॉलीमर है। यह विकास, हमारा डेवलपमेंट, पाचन, श्वसन सहित जीवन की हर प्रक्रिया में शामिल होते हैं। जैव रासायनिक यौगिकों के चार वर्ग हैं, कौन कौन, तो कार्बोहाइड्रेट बच्चे, प्रोटीन, लिपिड जो वसा होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। कोशिका की सबसे बाहरी परत का नाम बताना है, बताइए कोशिका की सबसे बाहरी परत, कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या नन ऑफ द अबव, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर यहीं पे प्लांट किंगडम की बात करते तो हम क्या बोलते, उसमें सेल वॉल होता है जो सेलुलोज का बना होगा, लेकिन किसी में सेल वॉल नहीं होता है, सेलुलोज वो क्या हो गया, फंगी जो काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जंतु कोशिकाओं की बाहरी सीमा है, देख रहे हो, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म यहां लिक्विड है और न्यूक्लियस केंद्र यहां पे है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी, बिल्कुल आसान सवाल पूछ दिया मैंने लास्टली, व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो 1969 को इसकी स्थापना की गई थी इसरो की। 15 अगस्त, क्या शुभ दिन चुना गया था, नहीं, बेंगलुरु, विक्रम साराभाई फाउंडर, की सीवन डायरेक्टर हैं और सब्सिडरी इसके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैं, ये इसरो के बारे में इंफॉर्मेशन है। DRDO बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, बता दो सर,
1958 में इसकी स्थापना न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। बलस्य मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस, ये इसका मोटो है। ठीक है बच्चे जी, सतीश रेड्डी। चंद्रयान वन क्या था, व्हाट वाज द चंद्रयान वन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ल्यूनर प्रोब, नेविगेशन सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सवाल नंबर 21। तो चंद्रयान वन की बात करें, ये ल्यूनर प्रोब है, चंद्र परीक्षण है, याद रखना। क्या बच्चे, चंद्र परीक्षण है। ठीक है, तो चंद्रयान वन चंद्रयान कार्यक्रम के तहत पहली भारतीय चंद्र जांच थी, जो इसरो के द्वारा अक्टूबर 2008 में छोड़ा गया था, अगस्त 2009 में, चंद्रयान टू 2019 में छोड़ा गया, है ना। ये था आज का सेशन, कैसा लगा, मजा आया टेस्ट देने में? बिल्कुल मजा आया होगा, ऐसा ही सेशन लाते रहेंगे आपके लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। फिर से बता दें कि अगर आप ज्वाइन किए हैं तो यार रेगुलर क्लास करो, नहीं ज्वाइन किए तो क्या सोच रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? आज 13 तारीख है, 13 अक्टूबर है, दो दिन के बाद 15 अक्टूबर, मात्र आपके पास 60 दिन बचेंगे 15 दिसंबर आने में, तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो आप, बाबा 10 कोड लगा के, इससे बाहर कुछ नहीं, बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा अगर आपको लगता है सर मेरी साइंस कमजोर है, फाउंडेशन कमजोर है, 2021 में CHSL देंगे, MTS देंगे, ज्वाइन करो ना ये बैच को, तभी तो फायदा होगा, तभी तो पता चलेगा आपकी तैयारी का। टाइमिंग इसकी कितने बजे, 3 बजे है, बिल्कुल डर। रेफरल कोड क्या रखोगे बच्चे, बाबा 10, जिससे आपका 10% का रिबेट हो। इसके अलावा कैसे ज्वाइन करें, सबसे सिंपल तरीका, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना गूगल प्ले स्टोर से, उसे ओपन करना या मोबाइल नंबर डालना, 6-डिजिट OTP पे क्लिक करोगे, आएगा वो ना। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपना गोल सेलेक्ट करना, क्या करोगे, SSC एग्जाम, अगर SSC टारगेट है तो, अदरवाइज रेलवे जो भी पेपर आने वाला है, रेलवे एग्जाम। यहाँ ना ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाएगी अभी से ही, CBT 1 ग्रुप डी, बस गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कितने मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, मैं हमेशा कहता हूँ 12 महीने से कम मत ज्वाइन करना, फायदा नहीं होगा, क्योंकि यार CBT 1 पास करने से कुछ नहीं होगा, CBT 2 भी पास करना होगा, तभी हमारा NTPC क्रैक होगा। 5000 फी है बच्चे इसके, एक साल के, रेफरल कोड बाबा 10 लगाया, ये घटकर हो जाता है 4500। आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे, क्रेडिट पॉइंट्स, आप उसका भी यूज करिए ना, रिडीम पॉइंट करिए, 10% वहां घट गया, फिर 450 कम हो जाएगा, देख लो 4000 कुछ रुपए लगेंगे एक साल तक, सारा फायदा, सारे सब्जेक्ट, GS, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, कैसे पेमेंट करो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो EMI में कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से, डेबिट कार्ड यानी ATM है तो वन टाइम पेमेंट। रेफरल कोड क्या लगाएंगे, बाबा 10। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करिए, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं स्टूडियो चैनल से ही तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मैसेज मिले, और बेल बटन पर प्रेस करना, तभी तो मैसेज आएगा। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।